मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ते महंगाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस के आह्वान पर मलारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मलारगढ़ विधानसभा के नगर पंचायत स्तर पर डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ते महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर हाथ पर काली पट्टी बांधकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देश और प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे देश में यदि पेट्रोल डीजल महंगा है तो शिवराज की मध्य प्रदेश सरकार में महंगा है। वहीं घोषणा में सरकार द्वारा विगत 15 सालों में लाखों घोषणाएं की, उसमें आज तक अमल नहीं हुआ। आज हम प्रदर्शन कर प्रदेश की सोई हुई गूंगी सरकार को जगाना चाहते हैं। हम खेती से जुड़े लोग हैं और खेती के लिए ट्रैक्टर चलाना है और डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। साथ में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आज गरीब वर्ग के परिवारों का जीना दुश्वार हो गया। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस मलारगढ़ द्वारा तीनों नगर पंचायत नगर कांग्रेस द्वारा यहां पर आयोजित इस महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सभी कांग्रेसजनों ने भाग लिया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में बनी है तब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। बड़ी शर्म की बात है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल अगर महंगा है तो शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार में महंगा है। इसके विरोध में आज हमने पेट्रोल पंप के सामने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, घोषणावीर सरकार तो है ही है कि विगत 15 सालों में लाखों घोषणा की गई है लेकिन एक भी घोषणा पर विचार नहीं हुआ है। तो ये तो आज महंगाई के खिलाफ हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और हम प्रदर्शन के माध्यम से सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं और उनसे मांग करते हैं, क्योंकि हम सब खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और आज जो है हम सबको खेती में ट्रैक्टर चलाना है, डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे लेकिन किस प्रकार से लगातार डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा रही है, रसोई गैस के भाव बढ़ा रहे हैं, खाद्य तेलों के भाव बढ़ा रहे हैं, आम नागरिकों का जीना दुश्वार हो गया है। सरकार मजदूर वर्ग के लोगों को जीना दुश्वार हो गया है क्योंकि उनके खाने का तेल जो पहले 50-60 रुपये किलो हुआ करता था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जब यूपीए की गवर्नमेंट हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र में थी, आज वो खाने का तेल 150 रुपये किलो हो चुका है। गैस की टंकी जो 400 रुपये में मिलती थी वो आज 900 रुपये में मिल रही है। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, आम जनता का जीना दुश्वार हो चुका है। माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, आज हम लोगों ने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अन्नदाता किसानों के साथ मिलकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं मूल्यवृद्धि वापस लेने के लिए इस गूंगी बहरी सरकार को झुकना पड़ेगा। मंदसौर से रवि पौरवाल की रिपोर्ट।